राइट ऑन पॉली फंक्शनल ग्रुप्स। पॉली फंक्शनल ग्रुप्स इन केस वी हैव टू और मोर देन टू ग्रुप्स, टू फंक्शनल ग्रुप्स इन द सेम मॉलिक्यूल, टू और मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप्स इन द सेम मॉलिक्यूल। आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटोन ग्रुप है, ये तो आइडेंटिफाई करना आता है। तो इनको हम कैसे नेम करेंगे, मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर बताया था, किसको हम प्रेफरेंस देंगे और किसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। वो मैं सीक्वेंस दोबारा लिख रहा हूँ। मैक्सिमम प्रेफरेंस गोज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, देन टू द सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड क्लोराइड, देन एसिड अमाइड, देन नाइट्राइल, देन आइसोनाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन फिनोल, देन थायोल एंड देन लास्ट इज अमीन। ये मैंने कल बताया था आपको, राइट? ओके। प्रेफरेंस देने का मतलब होता है कि आपने उस ग्रुप को लीस्ट काउंट देना है। प्रेफरेंस देने का मतलब होता है कि आपने उस ग्रुप को काउंटिंग करते समय, नंबरिंग करते समय लीस्ट काउंट करना है। यानी कि यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कीटोनिक ग्रुप है। तो हमारे इस सीक्वेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन को जब कंपैरिजन कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मोर प्रेफरेंस देनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 तो मैंने नंबरिंग पहले किसको प्रेफरेंस दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में वो रूल आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस करना है, कीटोन को बाद में करना। जिसको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है डेट विल गो इनटू द प्रीफिक्स, और जिसको प्रेफरेंस मिल रहा है डेट विल गो इनटू द सफिक्स। नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट? अब जब प्रीफिक्स में जाएगा तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। चलिए मुझे बताइए कि कीटोनिक ग्रुप को अगर सफिक्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे? ओन, ओन। तो अब मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का आपको प्रीफिक्स नेम बता रहा हूं। कीटोन ग्रुप को प्रीफिक्स में आपने करना है कीटो और ऑक्सो। अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी। ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कीटोनिक ग्रुप है। किसको प्रेफरेंस दिया आपने, किसको प्रेफरेंस दिया आपने? मैंने कहा यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ये वाला, और एक कीटोनिक ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे हो। किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सफिक्स में जाएगा, और जिसको हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं डेट विल कम इनटू द प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में आके इसका नेम चेंज हो जाएगा। क्या नेम चेंज हो जाएगा? कीटोन के लिए हम नया नेम करेंगे प्रीफिक्स नेम कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओएच के लिए हाइड्रोक्सिल, एसएच के लिए मरकैप्टो, मिथायोल के लिए आपने करना है मरकैप्टो,
NH2 ग्रुप के लिए अमीनो, अमीन नहीं कहेंगे अब अमीनो कहेंगे। CHO ग्रुप एल्डो या फिर फॉर्माइल, ये लिख लो अभी, याद हो जाने चाहिए राइट नाउ, याद हो जाने चाहिए बिकॉज मैं इसी का ये यूज करने वाला हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए कार्बोक्सी, एस्टर के लिए ये एस्टर का यहां से अटैचमेंट रहेगा, दिस इज द एल्कोक्सी कार्बोनिल। लाइक मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, डिपेंडिंग अपॉन दी आर वैल्यू। एसिड हैलाइड के लिए क्लोरोकार्बोनिल, साइनाइड के लिए साइनो, नाइट्राइल के लिए साइनो, एमाइड के लिए कार्ब एमोइल। सारे लिख लो, इसके बाद की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कब प्रीफिक्स कहेंगे और इसका नेम क्या रहेगा। कार्ब एमोइल, कार्ब एमोइल, जस्ट अ मिनट प्लीज। Yes, have you noted down? ओके okay. अब आते हैं प्रैक्टिस पर। अभी राइट नाउ प्रैक्टिस करेंगे और क्लास के बाद मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करेंगे, कल का होमवर्क करके भेजेंगे। कल कर लूँगा तो कल आपका कभी नहीं आएगा। मैं कल आने नहीं दूँगा एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि कल कुछ नया होगा और आपकी पुरानी बातें नहीं सुनी जा रही, तो मैं कल आने ही नहीं देता हूँ। ठीक है, जो कल कर लूँगा वो कल आप करते रहना, ना करना वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए वो कल इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय ये अभी राइट नाउ प्रैक्टिस करेंगे बच्चे और 15 मिनट प्रैक्टिस घर में करेंगे। अब एग्ज़ाम की 15 मिनट तैयारी थोड़ी सी कम कर लेना, हाँ बस इतने करना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मैंने बताओ यहाँ पे कीटोन और कार्बोक्सिलिक में से मैंने कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस दिया है, चेक करो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में क्या कार्बोक्सिलिक को प्रेफरेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए।
अब इस को जो उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, इसको प्रीफिक्स में लेकर जाना है, क्या लिखूं मैं इसके लिए? कीटो कह सकता हूँ या ऑक्सो कह सकता हूँ, राइट? तो थ्री कीटो, आप ऑक्सो भी लिख सकते हो, देन वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, इज दैट क्लियर? थ्री कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। वी हैव नाउ दीज टू ग्रुप्स, नाउ आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स। दिस इज ए साइनाइड ग्रुप एंड दिस इज ए अल्कोहल ग्रुप, राइट? तो किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, अल्कोहल को या नाइट्राइल को? नाइट्राइल को। सो आई विल गो फॉर नंबरिंग फ्रॉम दिस, 1, 2, 3, 4। राइट, सो दिस इज ए थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, इज दैट क्लियर? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज द हाइड्रोक्सी, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन नाइट्राइल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। इसीलिए मैंने कहा मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करो। इट्स ओनली वन वे टू रिमेंबर दिस, इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नो अदर वे। इफ यू आर जीनियस, गेट इट इन वन वन गो ओनली, इफ यू आर जीनियस। कंडीशन अप्लाइड, देखते ही याद हो जाएंगे, अदरवाइज याद करना है और कुछ नहीं करना है, याद भी नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ में याद हो जाएंगे। सो आई हैव नाउ दीज टू, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। सो इट इज 1, 2, 3। अब इसको क्या प्रीफिक्स में क्या कहना चाहिए? नो देखो देखो, आपके पास लिस्ट बने, कार्बम ऑयल, कार्बम ऑयल, कार्ब एम ऑयल, कार्बम ऑयल, देन वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स इन ओइक एसिड। एम आई क्लियर? कार्ब अमोइल, अमाइड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स में है कार्ब अमोइल। नो, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स। ये अमीन हो गया, आगे इसको एक्सपेंड कर दो, आप आइडेंटिफाई कर दो। कीटोन ग्रुप, कीटोन। अब दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे? देख के बताओ, तो सीक्वेंस ऑर्डर आपके पास में, देख के बताओ। कीटोन को, तो इस कार्बन को लीस्ट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर? इस NH2 को प्रीफिक्स में क्या कहेंगे?
इस अमीन को प्रिफिक्स में क्या कहेंगे? अमीनो। और एक ये भी प्रिफिक्स आ रहा है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। डिफरेंट प्रिफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फाइव अमीनो, थ्री मिथाइल, ये प्रिफिक्स हो गया। इसके बाद वर्ड रूट बोलो, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टोन। एम आई क्लियर? दिस इज द प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मेरी पहली क्लास में उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नेम पूरे वर्ल्ड में हर साइंटिस्ट एक ही नाम बोलेगा, और उसको कोई याद रखने, हाँ, उसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है ना? वो मैंने बताया था आपको कि एक वो क्या कहते हैं, हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं, मैंगी फिर मैंगो भाई है, ठीक है, या आम है तो याद रखना पड़ेगा आम है, ठीक है। अगर लॉजिक होगा तो मैं इसका साइंटिफिक नेम क्रिएट कर दूंगा, मैंगी फिरा इंडिका। बॉटनिकल नेम है इसका मैंगी फिरा इंडिका, तो वो टेक्निकल नेम है, मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने प्लांट को देखा और प्लांट को देखते ही उसके लीव्स एंड सीड्स एंड फ्लावर्स को देख करके मैं इसका साइंटिफिक नेम क्रिएट कर सकता हूँ। आप बॉटनी में पढ़ सकते हैं मैंगी फिरा इंडिका, किसी भी प्लांट का, ठीक है। ऐसे किसी भी केमिकल का नेम हम उसके स्ट्रक्चर को देख करके कर सकते हैं, राइट। सॉरी, चलिए, आइडेंटिफाई करिए पहले फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर। फंक्शनल ओके, अमीन है बट सेकेंडरी अमीन है, देख पा रहे हैं आप, और एल्डिहाइड ग्रुप है। विच इज टू बी प्रेफर्ड? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, नंबरिंग खत्म हो गई। अब बच गए हमारे पास में प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में इसको क्या नेम करने वाले हो? मिथाइल। इसे क्या कहने वाले हो? मिथाइल। और इसे और इसे क्या कहने वाले हो? और ये वाले को क्या कहने वाले हो? एन मिथाइल, ठीक है। प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, टू इथाइल, इज दैट क्लियर? टू इथाइल, देन टू मिथाइल। फोर पोजीशन पर क्या? एन मिथाइल, एन मिथाइल अमीनो, एन मिथाइल अमीनो। एन मिथाइल, मिथाइल कहां पर लगा? एन मिथाइल अमीनो, अमीनो ग्रुप है। देन वी हैव द वर्ड रूट एट्रिब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल।
एम आई क्लियर? नेक्स्ट ड्रॉइट नेम इट। ओके स्टार्ट। कृष्णा कृष्णा स्टार्ट। स्टार्ट। ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्स। वेरी गुड। एनी डाउट एनीवन? ये भी हटाइए। सरप्रीत, आपको यहां पर दो फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? देख के बताओ, आपके पास लिस्ट लिखी हुई है, आपके पास में लिस्ट लिखी हुई है, प्रेफरेंस ऑर्डर भी लिखवाया हुआ है। आप मुझे देख के बताओ, आइडेंटिफाई करिए कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, देख के बताना है। कोई अभी आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं। बताइए, ये एसिड क्लोराइड है और ये अल्कोहल है, राइट? किसको प्रेफरेंस देना है? एसिड क्लोराइड को, राइट? वो भी सीक्वेंस रूल मैंने आपको बताया है। तो नंबरिंग करते समय हमने इसको नंबर वन देना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। अब ये जो OH ग्रुप है इसको प्रीफिक्स पे लेकर जाना है। प्रीफिक्स में OH का नाम क्या है वो लिस्ट से देख के बताओ मेरे को, क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं।
प्रीफिक्स को प्रीफिक्स की जगह पे लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर, थ्री हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल, थ्री हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद वर्ड रूट की बारी, बताइए वर्ड रूट कितना है। हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? पाइवाइन। और फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या है? बस ये लिखा था मैंने। Am I clear? आपने सीक्वेंस को वही रखना है, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। जो जिसका नाम है और जो जिसकी जगह है उसको वो दे दो, नाम ठीक बन जाएगा। क्लियर है? मैं आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ इस क्लास के बाद, जस्ट प्रैक्टिस इट। ये याद नहीं होगा, ये याद बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका बॉडी का एक पार्ट बन जाएगा अगर आपने आज कर लिया। याद रखना, याद करना, ये सब ना छोटे बच्चों वाली बातें होती हैं। जो चीज़ें आपने याद की हैं गारंटेड हैं कभी ना कभी भूल जाएंगी, इसलिए मैं याद करने पर कुछ नहीं करता हूँ। मैं कुछ कुछ भी याद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर याद किया तो भूलेगा एक दिन, और स्पेशली उस दिन भूलेगा जिस दिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, एग्जाम वाले दिन। इसलिए याद नहीं करना, उसको अपने बॉडी का एक पार्ट बनाना है, अपने जेनेटिकल कोड में डाल देना है। अब वो नहीं आपके पास, अब आप आपके पास ही रहेगा हमेशा, जब मर्जी यूज करिए। ठीक है? याद करना एक मिसकंसेप्शन है एजुकेशन सिस्टम का, ये 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है बेटा ये याद कर लो। और अभी तक मैं गारंटी कर रहा हूँ 90% चीज़ें जो 10th क्लास तक पढ़ी हैं आपने आज आपको याद नहीं है। याद करो 6th क्लास में 7th चैप्टर इंग्लिश का एक पोएम थी वर्ड्सवर्थ की, याद है? नहीं याद है। ठीक है ना? नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है। नहीं, 90% चीज़ें आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ अब पढ़ना और लिखना आता है बस 10%। वो तो 2nd क्लास तक करते करते आ ही गया था हमें, राइट? इसलिए कुछ भी याद नहीं करना, जो चीज़ याद करोगे गारंटेड है भूलोगे, और स्पेशली उस दिन भूलोगे जिस दिन ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लो, प्रैक्टिस ऑन द सेम डे। ओके, चलिए इसको नेम करते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कोई फंक्शन ग्रुप है इसमें या नहीं है? जब भी हैलोजन आता है, रूल समझिए आप, जब भी हैलोजन आता है, दिस हैलोजन इज ऑलवेज ए प्रीफिक्स। हेलो, इसको कहेंगे हेलो। हेलो मीन्स क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। जब प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, 1, 2, 3, 3 क्लोरो, 3-chloro-propene, done. ये नहीं, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। अब मुझे बॉन्ड लाइन बताने की जरूरत है क्या? हाँ मालूम है आपको, हो जाओ शुरू। बाकी सारे रूल वही हैं, नथिंग न्यू। Thank you.
वर्क अपॉन इट. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स. एलरॉय एलरॉय आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. एस्टर नहीं, एस्टर नहीं, एस्टर नहीं होता है, एस्टर ये होता है आर सी ओ ओ आर. यहाँ पर आर ओ आर है राइट, यहाँ पर ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, एल्कोक्सी है. यस, तो किसको प्रेफरेंस देनी होती है, ईथर को या फिर कीटोन को? नो नो, ईथर देखो मैंने सीक्वेंस में कहीं लिखवाया है आपको, नहीं लिखवाया ना, तो एक नोट लिख लो, हैलोजन्स नाइट्रोसो नाइट्रो एल्कोक्सी एल्काइल, दीज आर ऑलवेज प्रीफिक्सेस, यानी इसको प्रेफरेंस देनी ही नहीं है. और ये आते हैं हैलोजन नाइट्रोसो नाइट्रो एल्कोक्सी और एल्काइल ग्रुप, दीज आर ऑलवेज टेकन एज एज ए प्रीफिक्स. इसका मतलब है कि अब आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है वो? कीटोन ग्रुप. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. अब आपके पास प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? मिथाइल है यहाँ पर, और यहाँ इथॉक्सी है, यहाँ पर इथॉक्सी है, यहाँ पर. सो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, सिक्स इथॉक्सी. फोर मिथाइल, वर्ड रूट बोली हेक्स. ऑन या Understood.
सिक्स इथॉक्सी फोर मिथाइल नेम द कंपाउंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन आगे बताओ देखिए इनको पहले आप एक बार नाम लिख लीजिए इसे अमीनो कहेंगे इसे आप क्या कहेंगे प्रीफिक्स में कार्ब एमोइल दिस इज ए मिथाइल व्हाट इज दिस क्लोरो अब इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो फोर अमीनो जस्ट अ सेकंड प्लीज Am I clear? समझ में आ गया मल्टीपल फंक्शन को क्या करना है Let us go for the nomenclature of cyclic compound. Name of this compound. Name of this compound. Name of this compound. Name of this compound. X in double bond again, right? Note it down all this.
नेम दिस कंपाउंड. मिथाइल. नॉट नेम दिस कंपाउंड. मुझे बताओ कि इथाइल और मिथाइल में से किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. इथाइल को नंबरिंग ही हमारी नंबरिंग ही वहां से स्टार्ट होगी. जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले. वन इथाइल, टू मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, नॉट पेंटेन. आइडेंटिफाई दिस सब्स्टिट्यूएंट एंड आइडेंटिफाई दिस सब्स्टिट्यूएंट. यहाँ पर मिथाइल है और ये क्या है, ये क्या है, प्रोपाइल. अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथाइल. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके. आप देखेंगे क्या यहाँ पर है कि अटैचमेंट यहाँ से है, तो हम कहेंगे वन टू थ्री. सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल और प्रोपाइल का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो क्या बन जाएगा, वन पोजीशन पर वन मिथाइल प्रोपाइल. Then cyclohexane.
अंडरस्टूड। साइक्लोप्रोपेन, नाउ नेम दिस कंपाउंड। ये क्या है? इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। और अब क्या कहेंगे? अब आपको रूल समझना है, अगर साइड चेन यानी एलिफेटिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल से ज्यादा हो जाएं, तो साइकिल विल बी टेकन एज एलिफेटिक चेन विल टेकन एज मेन चेन, जो बड़ी हो जाती है। एंड दिस विल कम इन टू द प्रीफिक्स वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। एम आई क्लियर? चलिए आज इतना ही करेंगे, काम कंप्लीट करके आना है। कल आपके असाइनमेंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक असाइनमेंट राइट नाउ मैं भेजूँगा अभी आपको, वो भी करना है। इस सैटरडे का जो टेस्ट है उसमें ओनली नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है? चलिए Thank you.